भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। साथ ही देश की ताकत और संस्कृति को एक झलक भी देखने को मिल रही है। सालों से इस परेड को देखने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अन्य देशों के प्रमुखों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। इन वर्षों में गणतंत्र दिवस परेड पर नहीं आया कोई मुख्य अतिथि। वैसे तो भारत सरकार हर साल एक विदेशी नेता को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर आमंत्रित करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम महमूद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपथ पर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। गणतंत्र दिवस परेड में 10 मौकों को छोड़कर भारत में हमेशा कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि 1952, 1953 और 56-57 के बाद 59 और 62 में भी ऐसा हुआ, फिर 64 और 66 और 67 और 70 में भी आरडी परेड के लिए भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। किस देश से आए हैं सबसे ज्यादा अतिथि? गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सबसे ज्यादा एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल। वहीं सबसे अधिक बार मुख्य अतिथि के रूप में अगर कोई देश शामिल हुआ है तो वो है फ्रांस। बता दें कि फ्रांस के एक गणमान्य व्यक्ति 5 बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फ्रांस के बाद भूटान 4 बार और मॉरिशस 3 बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। ब्राजील, इंडोनेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन और तत्कालीन युगोस्लाविया के गणमान्य व्यक्ति 2-2 अवसरों पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पाकिस्तान के एक गणमान्य व्यक्ति 2 अवसरों पर मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि विश्व के किस भाग से सबसे ज्यादा आए? 1950 के दशक में केवल एशिया के गणमान्य व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया था। 1960 के दशक से यूरोपीय गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करना शुरू किया गया। 1960, 70 और 80 के दशक में यूरोपीय गणमान्य व्यक्तियों को सबसे ज्यादा बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जब ईरानी राष्ट्रपति बने थे मुख्य अतिथि? भारत में वर्ष 2003 में पहली बार गणमान्य व्यक्तियों के रूप में ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक, भूटान के चौथे राजा चिकमे सिंगे वांगचुक और पूर्व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो उन गणमान्य व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में रिपब्लिक डे परेड में 2 बार आमंत्रित किया गया। केवल चीन एकमात्र देश है जिसे वर्ष 1958 के बाद से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया।